अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है मसाला कटहल। तो कटहल को हमने काट कर और इस तरह के पीस कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम कटहल को फ्राई करेंगे। तो कटहल फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच के करीब तेल को डालेंगे और ये ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम कटहल को फ्राई करेंगे। ऑयल ये गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये कटहल को डालेंगे और कटहल को डालकर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कटहल अच्छी तरह फ्राई हो गया है और फ्राई होकर इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे, गैस को थोड़ा सा मंदा कर देते हैं। तो ये देखिए कटहल को हमने फ्राई कर लिया है। अब इस बचे हुए ऑयल में हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और इसमें हम मसाले को फ्राई कर लेंगे। तो कटहल में थोड़ा सा ज्यादा तेल जाता है तो इसमें अभी हम 1 चम्मच के करीब ऑयल और डालेंगे। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है, अब 1 टीस्पून के करीब डालेंगे इसमें मेथी दाना। मेथी जब हल्की सी तड़क जाए तो इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज और 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये प्याज का पेस्ट और अदरक लहसुन डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़े पाउडर मसाले भी डाल देंगे। तो पाउडर मसालों में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नॉर्मल तीखी मिर्चें, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें नमक। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम मसाले की करेंगे अच्छे से भुनाई। तो इसमें अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इससे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले को इतना भूनना है कि ये दानेदार हो जाए। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। 8 से 10 मिनट मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर लिए, ये डाल देंगे। और टमाटरों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते और मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता। तो यहाँ पर अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया है और मसाले ने ये तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कटहल। तो ये देखिए दानेदार मसाला भुन गया है। तो अब ये कटहल डाल देंगे इसमें और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। तो 1 कप पानी डालने के बाद पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें हम 1/2 कप के करीब पानी और डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से देख लें, जितने में कटहल अच्छे से गल जाए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। तो हमने इसमें 1.5 कप के करीब पानी डाल दिया है। अब यहाँ गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो पर और स्लो फ्लेम पर रखकर इसे हम ढाक देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे, तब तक जब तक कि ये कटहल अच्छे से गल नहीं जाता। तो ये देखिए ढककर पकाने के बाद में ये कटहल अच्छी तरह गल गया है और इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते भी रहे हैं। तो ये देखिए कटहल में ना ज़्यादा पानी है और ना ज़्यादा ये ड्राई है। तो अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी और पसंद है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ये कटहल अच्छी तरह गल गया है, ये देखिए। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।